एक बड़ी खबर लाया हूँ सलमान खान की रिलेटेड। वो कहते हैं ना कि सौ सुनार की तो एक लोहार की, तो सलमान खान ने भी अब ठान लिया है दोस्तों 2025 ईद के दिन आपको ईदी देने आ रहे हैं सलमान खान। सलमान खान ने ठान लिया है कि उनकी जो ये मूवी होने वाली है वो 1500 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है दोस्तों। सलमान खान जितने भी पिछले मूवीज बनाए थे, जैसा कि आप जानते हैं कि एक था टाइगर बनाई है और किसी का भाई किसी की जान जैसी मूवी बनाई है, लेकिन उस मूवी में सलमान खान का जो सिलेक्शन था वो मूवी के लिए बहुत ही अच्छा नहीं था दोस्तों। लेकिन सलमान खान ने अब वो एक साल में चार फिल्म बनाने के बजाय एक जो है जबरदस्त मूवी बनाना चाहते हैं दोस्तों। तो आपको पता है कि रेस का जो है असली सिकंदर कौन है, वो मूवी आने वाले है जिसमें कि सैफ अली खान को मेन जो है किरदार निभाया था, लेकिन यहाँ पर सलमान खान निभाएंगे दोस्तों। तो सलमान खान की जो नेक्स्ट मूवी जो आने वाली है वो है सिकंदर। सिकंदर जो है A.R. मुर्गदा जो कि साउथ इंडियन मूवी के डायरेक्टर है और सलमान खान को इस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं दोस्तों। ये मूवी बहुत ही हटके रहेगी दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान जो मूवी बनाने वाले हैं इसमें दो किरदार का, आप कहेंगे कि क्या सलमान खान दो रहेंगे? नहीं, सलमान खान की लाइफ में इनके दो पार्ट होंगे दोस्तों। पहले पार्ट में जो है वो एक माफिया टाइप के रहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जैसी मूवी आई थी जो कि अमिताभ बच्चन की है, जिसमें उनकी पिछली जिंदगी में उनको वो एक टाइगर होते हैं यानी कि एक माफिया का किरदार निभाते हैं, लेकिन उनके उसके बाद वो एक अच्छे कॉमन मैन बन रहते हैं। तो उसी तरीके से सलमान खान को भी इसी तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है इस मूवी में। और जो हीरोइन की बात है, हीरोइन की बात कह दूं कि यहाँ पर रश्मिका मंदाना है और दूसरा जो है हीरोइन है दोस्तों, क्योंकि इसके दो यहाँ पर पार्ट्स बता रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये 100 से हो सकते हैं। और एक बात आपको बता दूं कि विलन एक नहीं होगा, दो होंगे दोस्तों। बिल्कुल सही सुना आपने। जैसा कि आप जानते हैं कि कडप्पा है जो कि बाहुबली के विलन है, तो उसी तरीके से यहाँ पर उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बाद जो एक विलन आएगा वो भी साउथ का होने वाले है, ऐसी अफवाह आ रही है, ऐसी रूमर्स आ रही है। तो सलमान खान इस मूवी में जो एक्शन होगा ना वो एकदम रियलिस्टिक होगा दोस्तों। VFX इसका एकदम कमाल का रहने वाला है और जो प्लेन का जो सीक्वेंस एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है दोस्तों। 3300 फीट के ऊपर से जो है वो कूदेंगे और वाटर का भी इसमें सीक्वेंस बताया जा रहा है। और दोस्तों इसमें जो एक्शन होगी ना, आपको बता दूं कि 3 घंटे में आप देखेंगे 10,000 बुलेट चलेंगे दोस्तों। 3 घंटे की मूवी है दोस्तों, लेकिन इसमें जो बुलेट चलेंगे वो 10,000 चलेंगे। क्या बोलते, इतनी जबरदस्त मूवी होने वाली है सलमान खान की। तो दोस्तों आप सब कितने एक्साइटेड हैं ये मूवी को लेकर जरूर बता दें दोस्तों। और सलमान खान की ये मूवी ईद के मौके पर 2025 में ये मूवी रिलीज होने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबको ये अपडेट कैसा लगी जरूर बता देना, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं ऐसी अपडेट के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।